नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग नॉस्टिक। आज करेंगे पार्ट 110, 110। पहला वर्ड पे चलते हैं। पहला वर्ड है लॉडेबल। इसका मतलब होता है जो प्रशंसा के योग्य हो, सराहनीय हो, डिजर्विंग प्रेज। ठीक है। एंटोनिम्स हैं ब्लेम वर्दी, रेप्रीहेंसिबल, डिस्ग्रेस, सेंसर, डिप्लोरेबल, डेस्पिकेबल, शेम, अनवर्दी, अनकमेंडेबल, रिप्रोच, इनएक्सक्यूजेबल, अनजस्टिफाइड। लैविश का मतलब होता है धनी। ठीक है, तो लग्जरी से भरा हुआ, उसे कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, लैविश लाइफस्टाइल। तो आप 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हो, ठीक है, डेली घूमने जा रहे हो, ऐसा बाहर खाना खा रहे हो, तो क्या है ये, दिस इज लैविश लाइफस्टाइल। तो एंटोनिम्स के फ्रूगल, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, सिंपल, मॉडेस्ट, स्पार्टन। ठीक है, ये रोमन ग्रीक वॉरियर्स होते हैं, स्पार्टन। प्लेन बेसिक, मेकर, स्कैंटी, स्टिंजी, स्पार्स। लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम जो आप करते हो, ठीक है, फ्री टाइम में जो भी आपको करना पसंद है उसे कहते हैं लेजर। तो फुर्सत, फुर्सत में बोलते हैं ना, तो फ्री टाइम में जो आप रिलैक्स करते हो, एंजॉय करते हो, उसे कहते हैं लेजर टाइम। एंटोनिम्स के वर्क, ऑक्यूपेशन, जॉब, लेबर, दैट इज हार्ड लेबर। तो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोर टास्क, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट पूरा करना। लीथल मतलब होता है डेडली। ठीक है, सो जो मौत का कारण बने उसे कहते हैं लीथल। तो एंटोनिम सेंस के हार्मलेस, बिनाइन, नॉन लीथल, इनोकुअस, सेफ, नॉन फैटल, नॉन पॉइजनस, नॉन इंजूरियस, नॉन टॉक्सिक, नॉन हैजर्डस, नॉन थ्रेटनिंग, एज वेल एज नॉन डिस्ट्रक्टिव। लिथार्जिक, सुस्त, लेजी। ठीक है, लाइक अ डाइसिकल। एंटोनिम्स के एनर्जेटिक, विगरस, लाइवली, डायनामिक, एक्टिव, एनिमेटेड, स्पिरिटेड, रॉबस्ट, ब्रिस्क, पेपी, जेस्टी, बाउंसी। लिसेंशियस, इसका मतलब होता है अनैतिक। ठीक है, प्रोमिस्क्यूस, अनप्रिंसिपल्ड। तो ये एंटोनिम्स के चेस्ट, वर्चुअस, मॉरल, डिसेंट, प्योर, मॉडेस्ट, प्रूडिश, अपराइट, एथिकल, राइचियस, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल। लिंप का मतलब होता है कठिनाई से चलना, लंगड़ा के चलना, अब चोट लग जाती है हमारे पैर में। तो एंटोनिम सेंस के स्ट्राइड, मार्च, स्टॉम्प, स्टॉक, स्ट्रॉल, एम्बल, सॉन्टर, स्ट्रट, स्वैगर, हाइक, ट्रैम्प, ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना लोथ। इसका मतलब होता है बिना इच्छा से करना, अनिच्छुक। ठीक है, सपोज स्कूल गोइंग चाइल्ड है, ठीक है, एक बच्चा स्कूल जाता है, उसका कल स्कूल है, तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं 10 बजे सो जाओ, पर उसका मन नहीं है सोने का। ठीक है, तो क्या हो गया, वो अनिच्छुक है सोने के, बट उसको सोना पड़ रहा है, तो अनविलिंग, रिलक्टेंट। एंटोनिम्स के ईगर, विलिंग, इंथुसियास्टिक, कीन, एक्साइटेड, अविड, रेडी, इंक्लाइंड, हैप्पी, प्लीज्ड, कंटेंटेड, डिलाइटेड। लूडिक्रस मतलब अनरीजनेबल। अनरीजनेबल बोले तो मूर्ख, मतलब उसका कोई सर पैर नहीं है, उसे कहते हैं लूडिक्रस। ठीक है, फुलिश है जो। तो एंटोनिम्स के सीरियस, सेंसिबल, रैशनल, ठीक है, ग्रेव, सोबर, अर्नेस्ट, थॉटफुल, सेन, लॉजिकल, प्रैग्मेटिक और रीजनेबल। ठीक है, लुगुब्रियस का मतलब होता है निराश, उदास।
एंटोनिम्स हैं इसके, चेयरफुल, जॉय, हैप्पी, अपबीट, लाइट हार्टेड, मैरी, कंटेंटेड, ऑप्टिमिस्टिक, ब्राइट, रेडियंट, सनी, इलेटेड, ठीक है, बॉयंट, लूनासी, लाइक अ लूनाटिक, तो पागलपन, मानसिक रूप से अस्वस्थ। एंटोनिम्स हैं सैनिटी, रैशनल, साउंड ऑफ माइंड, सोब्रिटी, सेंसिबल, प्रूडेंस, लॉजिक, रीजनेबल, कंपोजर, स्टेबिलिटी, बैलेंस, क्लैरिटी ऑफ माइंड, थॉट, एक्सप्रेशन। लूरिड का मतलब होता है कोई ऐसा कलर, ठीक है, मतलब चमकीला कलर, ठीक है, वो देखने में अच्छा नहीं है, ठीक है, उसे कहते हैं लूरिड। कलर क्रिएट अनप्रेजेंट और हार्श इफेक्ट, ठीक है, रंग जो अप्रिय हो और अप्रिय प्रभाव पैदा करे आपके मन मस्तिष्क में, तो वो है, तो दिस इज चमकीला, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पर, डल होगा, फेड होगा ऐसा। तो एंटोनिम्स इसके डल, ड्रैप, फेडेड, सबड्यू, म्यूटेड, टेम, माइल्ड, प्लेन, अनरिमार्केबल, ब्लैड, इंसिपिड, लाइफलेस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, यहाँ पे बिल्कुल कम या बिल्कुल नहीं कलर है, ठीक है। लश का मतलब होता है ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है, प्लांट्स, गार्डन, ठीक है, पौधे, बगीचे जो कि हरे भरे उसे कहते हैं लश। एंटोनिम्स हैं इसके स्पार्स, बैरन, बंजर, डेसोलेट, एरिड, ड्राउट, इनफर्टाइल, स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव, स्केंटी, मेगर, बेयर, ऐसे बोलते हैं ना, बेयर मिनिमम, विदर्ड, ठीक है। लेबेफेक्शन, वो स्थिति जब आप नीचे आ रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लेबेफेक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ वीकनिंग और फॉलिंग। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने चतुराई करी, छल कपट करा, ठीक है, किसी को ठगा, तो आप एकदम से ऊंचे जाओगे, पैसे आएंगे बहुत सारे एकदम से, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, बट एक टाइम के बाद आप अगर पकड़े गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आपका ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना नीचे आने का धीरे धीरे, उसे कहते हैं लेबेफेक्शन, ठीक है। एंटोनिम्स हैं इसके स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, फोर्टिट्यूड, रेजिलेंस, रॉबस्टनेस, फर्मनेस, टेनासिटी, इंड्योरेंस, स्टेडफास्टनेस, रिजिडिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी। लेबलस, ठीक है, लेबलस मतलब निंदात्मक, डेफोमेशन, नीचा दिखाना किसी को, निंदा करना किसी की उसे, तो यहाँ निंदा है तो यहाँ पे होगा प्रेज करना। एंटोनिम्स इसके एक्सल्टिंग, एक्लेमिंग, प्रेजवर्दी, लॉडेटरी, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्लैटरी, एडमायरिंग, एप्रिशिएटेड, अप्रूविंग, रिस्पेक्टफुल, कमेंडेबल, ऑनरेबल। नेक्स्ट वर्ड है अपना लिबिडिनस, ठीक है, शोइंग एक्सेसिव सेक्सुअल ड्राइव, जो कि है लस्टफुल, ठीक है, वासनापूर्ण, उसे कहते हैं लेबिडिनस। तो एंटोनिम्स हैं इसके चेस्ट, मॉडेस्ट, प्योर, वर्चुअस, डिसेंट, इनोसेंट, मॉरल, प्रूडिश, टेम्परेट, एब्स्टिनेंट, एसेटिक, सेलिब्रेट। नेक्स्ट वर्ड है अपना लुमक्स, इसका मतलब होता है स्टूपिड, फुलिश, मूर्ख, ठीक है, लुमक्स। एंटोनिम्स हैं इसके एजाइल, निम्बल, ग्रेसफुल, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, क्लेवर, एस्ट्यूट, एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट, अकम्प्लिश्ड, पॉलिश्ड, कोऑर्डिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है अपना लिम्पिडिटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। एंटोनिम्स के मकी,
ओपेसिटी, क्लाउडेड, ऑब्स्क्यूरिटी, टर्बिडिटी, ओपेक, इम पेनेट्रेबिलिटी, वेग, एम्बिग्विटी, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, इन डिस्टिंक्टनेस। नेक्स्ट वर्ड अपना लैटिट्यूड, आपने साइंस में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है, दिस इज लॉन्जिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड ऐसे होता है ना अर्थ, और ये क्या है इक्वेटर, लैटिट्यूड, कैप्रिकॉन, कैंसर, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो जो लेटा हुआ है वो है लैटिट्यूड, ठीक है, दूसरा है लॉन्जिट्यूड। तो ये तो हो गया ज्योग्राफी का। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं विचार, विचारों की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, उसे कहते हैं लैटिट्यूड। एंटोनिम्स के रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेन, लिमिटेशन, रिस्ट्रेन, कन्फाइन, कंट्रोल, रेगुलेशन, नैरो, नैरोनेस, रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, बाउंड्री, ठीक है, आगे चलते हैं। ल्यूक वॉर्म, तो हमने सिनोनिम्स में देखा था, दोबारा रिपीट करते हैं। सपोज आप यूरोप और यूएस में रह रहे हो, ठीक है, ठंडा एरिया है वो, टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन है, अगेन ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट, तो टेम्परेट रीजन में ठंडी होती है, ठीक है, जैसे नॉर्थ इंडिया में विंटर्स में होती है, तो वहाँ पे जो ल्यूक वॉर्म है उसे कहते हैं गुनगुना पानी, ठीक है, और हम रहते हैं ट्रॉपिकल रीजन में नियर इक्वेटर, तो यहाँ पे गुनगुना पानी, ल्यूक वॉर्म जो है वो गुनगुना पानी नहीं होगा, वो होगा नॉर्मल वाटर, ठीक है, तो अगेन कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वॉर्म, ठीक है, तो एंटोनिम्स इसके हॉट, बॉइलिंग, स्कैल्डिंग, ब्लेजिंग, सिजलिंग, रोस्टिंग, स्वेल्टरिंग, फेरी, बर्निंग, टॉरिड, तो टॉरिड जोन में हम रहते हैं, ठीक है, ये क्या है हॉट एरिया, ठीक है, स्क्रॉचिंग और सल्ट्री, ठीक है, तो ये थे आज के 20 वर्ड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।